हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्यूटी एक्सपो से बहुत सारी शॉपिंग करके लाई थी, तो वो सब कुछ मैं आज आपको दिखा रही हूँ। और काफ़ी सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। अभी ये जो है, ये गोल्ड कलर जो है बालों में हाईलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए, इसकी मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ। इससे पहले डाल दी होगी मैंने ये वीडियो, ठीक है। अभी जो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ, वो पॉज करना पड़ेगा, कोई आया है। तो ये कल बता रही थी मैं, ये शूज कंपनी से लाई हूँ मैं। सारा हौच पौच हो गया। हाँ, तो ये प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपो से लाई थी मैं, शूज कंपनी का है, कवर अप टेम्परेरी कंसीलर हेयर स्प्रे, ठीक है। जैसे कई बार आगे आगे वाइट वाइट होते हैं ना, एकदम कहीं अचानक जाना पड़ जाता है, तो पूरा कलर वलर करने का टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से मैं लाई थी कि एकदम कहीं आना जाना होता है तो फिर मैंने इसको किया था। तो मैंने तो सोचा इसमें ना, जैसे ऐसे स्प्रे सा बना हुआ, सीधा इसको ऐसे करूँगी तो सीधा लग जाएगा, पर ऐसे ना सीधा लगता नहीं, एकदम पैच पैच सा छोड़ रहा था एकदम ये फेस पे। तो फिर इसको जो करने का, फिर जो मुझे सही तरीका समझ में आया, कॉटन का रख दिया मैंने। हाँ, तो जब मैंने यूज़ किया ना, तो मैं तो एकदम सोचा ऐसे स्प्रे करने से हो जाएगा, पर ऐसे स्प्रे करने से बात बनेगी नहीं। इसको जो फिर मुझे समझ में आया ना, कि इस तरह से कॉटन लेंगे, कॉटन के ऊपर इसको ये स्प्रे करेंगे, और फिर उसके बाद में फिर ऐसे जहाँ पर भी वाइट वाइट सा लग रहा है, फिर वहाँ पर ऐसे लगाएंगे, तो फिर उससे पैच नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ पर भी वाइट वाइट लग रहा है, वहाँ वहाँ पे लगा दो। टेम्परेरी हेयर कलर है ये, देखो अगर एकदम ऐसे लगा दिया ना, तो ऐसे पैच सा बन जाएगा, इसलिए कॉटन पे ऐसे ऐसे करके बालों से ना, बालों में ड्राइनेस आ जाती है वैसे इन चीज़ों से ना। चलो एकदम एकदम चाहिए इमरजेंसी में, तो फिर उस हिसाब से सही है। अभी जैसे ऐसा हो भी क्या ना, तो इसको हमें फटाफट हटाना पड़ेगा। जैसे हम कलर भी एप्लीकेशन करते हैं, तो ये देखो हट गया ये भी इजीली ना, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें कि भी हाँ जम गया तो जम गया। इस तरह से तो इसकी जो कॉस्टिंग थी, पिछली बार तो जब मैं गई थी तब तो 350 बता रहे थे, इस बार जो बताई इन्होंने 300 रुपये का बताया। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि शायद मैंने किसी और कंपनी का भी देखा था, उनका बहुत पहले जब नया नया आया था, तो 600 रुपये के आसपास का था, तो ये वाला 300 के आसपास। मैंने कहा चलो एक ट्राई मार के देख लेते हैं कैसा क्या रहता है, तो फिर उस हिसाब से है ये। तो इसके ऊपर तो जो MRP लिखा हुआ है ना, MRP तो इसके ऊपर 999 लिखा हुआ है, 1000 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर MRP तो, लेकिन ये एक्सपो में मिला मुझे 300 रुपये का। इस तरीके से है, तो आप भी चाहो तो देख सकते हो, पर थोड़ा सा मुझे लगता है बाल ड्राई करता है बहुत ज़्यादा, कितना क्या ही फ़र्क पड़ रहा है वो आपके सामने है ही है। ये गोल्ड वाला भी मैंने आपकी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।